दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं आपके लिए UAE रिलेटेड, गल्फ जॉब रिलेटेड डेली बेसिस वीडियो ले आता रहता हूँ। और UAE में वीज़ा, इमिग्रेशन, फ्लाइट में जो भी प्रॉब्लम या जो भी नए अपडेट्स आते हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, ताकि आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जो अपडेट निकल के आया है, जैसा कि आप थंबनेल्स देख के समझ गए होंगे कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने डिटेल्स में दो तीन वीडियो लगातार बनाई थी कि जो न्यू वीज़ा रूल है और कौन कौन से वीज़ा यूएई ने इंट्रोड्यूस किया है, उस पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे और कैसे अब आप विजिट वीज़ा लेंगे और आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। फुल डिटेल्स वीडियो बनाई थी, एक एक चीज़ें डीपली मैंने समझाई थी। फिर भी कई सारे लोग हमको मैसेज कर रहे थे कि अरे नहीं सर, क्या नाम है, विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है, विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है विजिट वीज़ा। तो अभी जो न्यूज़ निकल के आई है कि अभी इमिग्रेशन से वापस किया जा रहा है। एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने तभी बोला था कि भाई ठीक है ना, मिल रहा है तो आप ले लीजिए, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी तो फिर रोइएगा, फिर वीज़ा का पैसा भी वापस नहीं होगा, टिकट के भी नुकसान हो जाएंगे, मतलब टोटल लॉस हो जाएगा। तो अभी यही अपडेट आई है। अब बात करेंगे डिटेल्स में कि कैसे आपको इमिग्रेशन की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अभी की बात करें, जो मसला हुआ है, मसला क्या हुआ है कि आपको पहले से मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि न्यू वीज़ा रूल एक्टिवेट हो गया है तो अभी आप आ सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से वीज़ा निकाले थे, बहुत सारी चीज़ें उनका पहले से सब कुछ क्लियर था, वो लोग भी जब ट्रेवल किए हैं अभी रिसेंटली विद इन अ वीक, तो उनसे भी सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए गए हैं और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, एंट्री नहीं मिल रही है, खासकर विजिट वीज़ा वालों को। तो उनके लिए अब आगे क्या करना होगा और कैसे उनको ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से, तो सबसे पहली बात, दो तीन डॉक्यूमेंट्स आपको परफेक्ट रखना है। होटल बुकिंग, चाहे वो वन नाइट का हो या दो दिन का हो या तीन दिन का हो, चलेगा। कन्फर्म पेड होटल बुकिंग, रेफरेंस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों का चल जाता है, बहुत सारे लोगों को रिटर्न कर दिया जाता है, तो रेफरेंस वाला ना रखें ऑप्शन कि कोई रेफरेंस है, उसकी आईडी में दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या डमी होटल बुकिंग कर लिए, नहीं नहीं चलेगा। दूसरा, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही नॉर्मल पैसों में, इंडियन रुपीज़ में 1000 रुपये, 1200 रुपये, 700 रुपये में ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो उसके लिए अगर आप डिपोर्ट होते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, दो चीज़ हो गया। तीसरी चीज़, आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए, पेड होना चाहिए, डमी नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंसी से या कहीं से भी वीज़ा निकालते हैं तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि हम डमी टिकट दे देंगे आपको, होटल बुकिंग दे देंगे, इतना चार्ज लेंगे, 1000 चार्ज लेंगे, 2000 इंडियन रुपीज़ में चार्ज लेंगे, तो ऐसा नहीं। ये अभी इमिग्रेशन पे लिटरली चेक किया जा रहा है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स, तीनों डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर रखें, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी रखें। अब आता है डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। डिपोर्ट सो मनी किया जा रहा है, मतलब पैसा आपसे दिखाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि इमिग्रेशन से वापस कर दिया गया, इमिग्रेशन से वापस कर दिया गया, वन नाइट स्टे कराया गया एयरपोर्ट पर ही, उसके बाद दूसरी फ्लाइट से रिटर्न भेज दिया गया, तो पैसा दिखाने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आप विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो घूमने आ रहे हैं, तो आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए। मिनिमम $2,000-1500, $1,000, $2,500, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। एकदम ध्यान रखें, लिटरली एक ही उनके रीज़न है कि लोग, कितने लोग होटल बुकिंग नहीं दिखा पाए, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं दिखा पाए, और जो सारी चीज़ें से निकल गए, सारा डॉक्यूमेंट्स उनका क्लियर था तो मनी नहीं शो कर पाए। जाहिर सी बात है, अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो घूमने आ रहे हैं गवर्नमेंट की नज़र में, जबकि गवर्नमेंट को भी मालूम रहता है कि आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं या क्या करने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नए नियम के थ्रू आपसे करेंसी शो करने के लिए कहा जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ से जब $4,000 शो करने के कंपलसरी कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट मंथ से जब आप विजिट वीज़ा भी निकालेंगे तो उसमें आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, लागू भी हो जाएगी। तो अभी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो अपना करेंसी शो करें, मिनिमम 2000 दिरहम, मिनिमम 2000 से 3000 दिरहम या $1000 आप कन्वर्ट करा सकते हैं,
इंडियन रुपीस नहीं चलेगा, आपके होम कंट्री का रुपीस नहीं चलेगा, आप एयरपोर्ट के इमिग्रेशन पे कराएं या कहीं से भी कराएं। और जितने लोगों को डिपोर्ट किया गया वो अपने होम कंट्री के इमिग्रेशन से टोटल क्लियर थे, आराम से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ से उनको रिटर्न कर दिया गया। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन ट्रैवल को लेके, वीज़ा को लेके या जॉब रिलेटेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं रिलेवेंट जवाब उसका दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।